कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। दड़बा गांव के ग्रामीणों की मुहिम है, उसने सफलता हासिल की है ये कह सकते हैं, क्योंकि दड़बा गांव में पिछले कई दिनों से जो ग्रामीण है वो नशे के खिलाफ, चिट्टा के खिलाफ एकजुट हो रहे थे और उसकी शिकायत भी जो है SP को की गई थी, जिसको लेकर के जिला की एंटी नारकोटिक सेल ने दड़बा गांव से दो भाइयों को 11.30 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये दोनों भाई पहले भी जेल जा चुके हैं और पिछले लंबे समय से एंटी नारकोटिक्स जो टीम है जिसके इंचार्ज दाताराम है वो ग्रामीणों के सहयोग से लगातार जो है मुखबिरों के आधार पर पीछे लगे हुए थे और जो है कल ये कहूँगा कि कामयाबी मिली है और दोनों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है गया, यानी कि चिट्टा का साथ गिरफ्तार किया गया है और दोनों भाइयों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दड़बा गांव के जो लोग हैं वो चिट्टे के खिलाफ है, वो एकजुट हुए थे, गाँव में भी मीटिंग की थी और जिला के SP से भी वो मिले थे और उसको लेकर के जो है ग्रामीणों ने जहाँ पे गाँव के लोगों ने सीधे तौर पर पुलिस पर कहा कि इस तरह के जो लोग हैं वो ग्रामीण पकड़ा तो देते हैं लेकिन पुलिस उनको छोड़ देती है कहीं ना कहीं, उसको लेकर के। और जो है अब दोनों ही भाई हैं वो ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस की भी रडार पे थे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों दड़बा गांव में ग्रामीणों ने मीटिंग की थी, गाँव के जो लोग हैं उन्होंने मीटिंग करके और ये कहा था कि गाँव में जो नशा है वो लगातार फैलता जा रहा है, कुछ लोग हैं जो गांव में नशा बेचते हैं और उन्हीं के जाल में गांव के युवा हैं वो लगातार फंसते जा रहे हैं और अब जो हालात इस तरह की बन गई है कि जो है इस तरह के जो तस्कर हैं, जो चिट्टा पीने वाले जो लोग हैं वो घरों में चोरियां करते हैं और ख़ास करके जो खेत में जा रहे जो किसान हैं, ख़ास करके महिलाएँ हैं, उनके साथ भी जो मारपीट कर चुके हैं, जिसको लेकर के गांव के लोग हैं वो एकत्रित हुए थे और इसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ है वो कार्रवाई की जाए, उसको लेकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा करके गांव के लोगों की मदद से दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे 11.30 ग्राम जो है चिट्टे की बरामदगी की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नाथूसरी चोपटा थाना की पुलिस है वो आसपास के इलाके में जाकर के गांव-गांव से सहयोग मांग रही है और गांव में लगातार कमेटियां भी बनाई जा रही हैं कि वो चिट्टे के खिलाफ एकजुट हों ताकि जो है गांव से इस नशे को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि जो सिरसा ज़िला है उसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पे चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो हर बार चिट्टा का मुद्दा रहता है। राजनेता कहते हैं कि वो चिट्टा ख़त्म करेंगे लेकिन चिट्टा नशा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जो है गृह मंत्री अनिल विज है वो सिरसा आए थे, उनके सामने भी नशे को लेकर के मुद्दा है रखा गया था, उन्होंने कहा था कि नशे को लेकर के जो है जो जो टीम है वो बनाई जा रही है, इस तरह का एक सेल है वो भी स्थापित किया जा रहा है जो नशे पर काम करेगा और जिसके परिणाम है वो सामने आ रहे हैं कि गांव-गांव से जो पुलिस है वो सहयोग मांग करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो नशे में संलिप्त रहे हैं, जो नशा बेचते रहे हैं, और उन लोगों को जो है रेड भी किया जा रहा है और उनको पकड़ा जा रहा है। और नशे से हमारा गाँव बहुत जैसे बहुत ही बुरी हालात में पहुंच चुका है जी, ट्यूबवेलों की तार नहीं छोड़ते जी, चोरी चकारियां बढ़ गई है और जो बच्चे नए लगे हैं वो बेचारे बेबस है, लाचार है, तो प्रशासन से गुहार करते हैं जी, अगर ये कोई सेंटर अपने गांव में जी सिविल हॉस्पिटल है यहाँ कोई चार बेड का जिस तरह कोई व्यवस्था बना के इनका सहयोग करे तो बहुत बढ़िया है जी। गाँव के लोगों को भी मैंने ये कहा है, मैं सभी को यही विश्वास दिलाता हूँ भी आप इन्फॉर्मेशन दो, किसी का नाम उजागर नहीं होगा, अपने आप विश्वास हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।